गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का ये हमारा तीसरा सत्र है। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज से माय वॉइस इज क्लियर। क्या मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। सो आज का जो हमारा सत्र है उसका जो विषय है इम्पोर्टेंट आर्काइव्स एंड आर्काइव्स एडमिनिस्ट्रेशन। So, without wasting the time, I will start. If there are any questions or the comments, then please ask me. The screen is visible. Presentation दिखाई दे रहा है? जी सर। Okay, okay. Sound okay है? आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है? Yes sir, yes sir. ओके ओके, सो थैंक यू। हमारे आर्काइव्स का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे पास जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज है उसको संकलित करना, उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना और पब्लिक के लिए उसको एक्सेस देना। अब ये पब्लिक डिसाइड करता है कि किस किस लिमिट तक देना है। ये अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स क्या है उस पर निर्भर करता है। बट कैन यू से हाउ मैसेजेस सेंट इन हिस्टोरिकल पीरियड? कोई बता सकता है? हम लोग संदेश कैसे भेजते थे एंसेंट टाइम में, मिडिवल टाइम में हम मैसेजेस कैसे भेजते थे? एनीवन? थ्रू बर्ड्स, थ्रू पिजन्स, बर्ड्स। हाँ ओके, पंछियों का इस्तेमाल करते थे, कबूतर जिसको हम कहते हैं, पिजन। ओके, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, छोटा हो लंबा हो। जी, मैसेंजर। हाँ, मैसेंजर। और भी कुछ कुछ ऐसे कुछ वर्णन आते हैं कि कुछ हटके अलग स्टाइल कुछ यूज किया है, ऐसा कोई बता सकता है एक एग्जांपल? वो कोई काव्य में कल्पना हो सकती है, मगर चील के पैरों में बांध दिया करते थे। हाँ ओके, वो सही है, वो तो यूज किया जाता था। और भी कुछ ऐसे कुछ समथिंग डिफरेंट कि जिसका यूज किया जाता था, ऐसा वर्णन हमें मिलता है? ऐसा थ्रू क्लाउड, मेघदूत जो। सो नाइस। हाँ, क्लाउड के द्वारा भेजा जाता था ऐसा हमने पढ़ा है। अभी क्लाउड मेघदूतम एक काव्य है और भोभूति द्वारा रचित, और नहीं क्षमा करना, कालिदास जी का। तो मेघदूतम में इसका वर्णन आता है कि उन्होंने क्लाउड के द्वारा यानी बादलों के द्वारा वो संदेश भेजा था। आज हम लोग जो मैसेजेस भेजते हैं उसके लिए क्लाउड सर्वर का यूज करते हैं। अभी एक ये मैं सिर्फ शब्दों का ये है, मगर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे हम ये गले में लटका कर या पैरों में बांध कर जैसे भी हो मैसेज भेजते थे, और बहुत ज्यादा लंबा है तो पंछियों का यूज किया जाता था, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पर्टिकुलरली। मगर एक बात याद रखना हमेशा, जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। और बाकी तो ऊंट पर यानी जो मैसेंजर्स होते थे वो सवारी करके जाके घोड़ों का इस्तेमाल करके वो मैसेजेस पहुंचा देते थे। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के प्राणियों का उपयोग किया जाता था। कैमल में भी कई कई प्रजातियां थी जिसको कितना दूर जाना है, कौन सा एरिया है, उस पर ये निर्भर करता था। फिर बाद में धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस की शुरुआत हुई, और पोस्ट ऑफिस में अलग अलग तरह से मैसेजेस का यानी एक जिसको कहते हैं मैनेजमेंट होता था। सेव टाइम गेट अ मेल बॉक्स। फिर ये अलग तरह से कि हमारे यहाँ पंछियों को कैमरा वो बांध कर भी फोटोग्राफिक भी इस तरह से डिटेक्टिव रूप से इस तरह का यूज किया जाता था। अभी नए इसमें हम आ गए तो संदेश देना हो, पत्र देना हो, कोई भी किसी भी तरह का मैसेज हो तो हम लोग ईमेल का उपयोग करते थे। बाद में धीरे धीरे फिर टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, अभी कई तरह के प्रकार आ गए। सो इसका हम लोग यूज करने लगे।
तो इससे क्या हो गया कि हमारा कनेक्टिविटी बढ़ गया, यानी एट अ टाइम, पहले क्या था, एक समय में एक मैसेज एक ही व्यक्ति को पहुंचा सकते थे, यानी कबूतर के द्वारा चिट्ठी अगर भेजनी है तो वो एक व्यक्ति के पास पहुंच सकती थी, मैसेंजर भी जाता था तो एक समय में एक व्यक्ति को मैसेज देता था, हाँ उसका इस्तेमाल तो किया जा सकता था दो चार लोगों के पास जाना, मगर जैसे भी व्हाट्सएप के द्वारा हम ग्रुप में मैसेज डालते हैं तो सैकड़ों लोगों को एक साथ मैसेज जाता है, तो इससे क्या हो गया कि एक साथ में आप एक कंटेंट जो डिलीवर करने की जो बात है उसका कैपेसिटी बढ़ गया, इसकी वजह से। और फ्यूचर क्या है, ये फ्यूचर है हमारा, हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अभी गूगल मीट के द्वारा हम मिल रहे हैं, जूम पर मिलते हैं, मगर हो सकता है फ्यूचर में कभी लोग इस तरह से वर्चुअल रूप में साथ में आकर के बात कर सके, अभी तो वर्चुअल का जो फॉर्मेट है वो कुछ एक हद तक लिमिट है उसका, मगर ये हो सकता है फ्यूचर में इस तरह से भी लोग मिलेंगे, क्योंकि बीच में हमने देखा कि जिस समय कोरोना समय में डिग्री प्रदान करने का ये था तो एक्चुअल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किए गए, बल्कि वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ही प्रदाता वहां होते थे और जिसे दिया जाता था वो वर्चुअल रूप में वहां पर प्रेजेंट होता था। सो होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस और अदर टेक्निक्स जो भी हम लोग यूज करते हैं, ये सारी बातें अलग अलग मैसेजेस कंटेंट्स इसके बारे में कहाँ पढ़ने को मिलता है, अलग अलग विश्वविद्यालय जहां पर कई सैकड़ों हजारों किताबें संकलित की जाती थी ऐसा हम पढ़ते हैं, लाइब्रेरी का ही एक अलग फॉर्म जो है वो आर्काइव्स के रूप में हम देखते हैं। अब इसका मैनेजमेंट करने के लिए सबसे बड़ी वर्ल्ड यानी वैश्विक स्तर पर जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमने सिर्फ नाम उस दिन लिया था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स, सो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो फंडिंग है मेंबरशिप के द्वारा, मेंबर्स के द्वारा होता है, बट यूनेस्को और ऐसे कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है विश्व भर के जिसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम लास्ट मोर देन 60 ईयर्स, और 199 देशों में 1900 मेंबर है। यहाँ पर बैठे हुए कोई है जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स के मेंबर है? एनीवन? आईसीए के मेंबर कोई है क्या? अगर आप बनना चाहते तो आप बन सकते हैं, उसका ऑनलाइन में सभी जानकारी उपलब्ध है, आप किस रूप से बनना चाहते हैं, यानी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल, इंडिविजुअल बनना है तो फिर उसमें उनका फीस जो है अलग अलग स्ट्रक्चर है 2500-3000 रुपए से लेकर के, आप डिजिटल में बनना चाहते हैं फिजिकल के, इसमें अलग अलग उनका ये है, डिजिटल मेंबरशिप इंडिविजुअल मेंबरशिप में दो तरह के प्रकार उन्होंने रखे हैं, और दूसरा जो है वो लगभग 70,000 रुपीज ऐसा भी अलग से ये है, तो अलग अलग रुपीज उनका ये है। सो ये मेंबरशिप के फंडिंग के ऊपर जो है इसका कार्य चलता है, अभी कितना बृहद है उसका स्वरूप ये 199 कंट्रीज देखने से पता चलता है। आईकॉम इसी तरह से मगर उसकी मेंबर की संख्या जो है वो ज्यादा है, उधर जो है लगभग 40,000 से ज्यादा लोग है, क्लोजली वर्किंग विथ दिस इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज सच एज यूनेस्को, उसके बारे में भी देखेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इफेक्टिव रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स मैनेजमेंट, वो क्यों इज एन इसेंशियल उसको समझते हैं, गुड गवर्नेंस ऐसा शब्द प्रयोग किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी, प्रिजर्वेशन ऑफ मैनकाइंड्स कलेक्टिव मेमोरी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बाय सिटीजंस, ये लास्ट वाला वर्ड भी उतना इंपॉर्टेंट है। This is dedicated to, again, effective management of records and preservation, care and use of the world's archival heritage. हम लोग ये शब्दों को वैश्विक स्तर से individual and institutional level पर ला करके अगर सोचेंगे, are we really serious about the preservation or the care of the records or for the proper access for the citizens? तीन बातें, proper care हम करते हैं क्या, उसका प्रिजर्वेशन वगैरह प्रॉपरली करते हैं क्या, दूसरा है दो ही बातों को ज्यादा ध्यान देंगे, एक्सेस सभी के लिए प्रॉपर रूप से देते हैं क्या, कई सारी अलग अलग दिक्कतें होती है, इसका कारण क्या है, क्योंकि अभी भी इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है। इफेक्टिव मैनेजमेंट इन व्हाट टर्म्स, वो भी आगे देखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल नहीं है, लास्ट वाला जो शब्द है ना, एंड आर्काइव प्रोफेशनल्स अक्रॉस द ग्लोब, हमारे पास में प्रोफेशनल्स है क्या? प्रोफेशनल क्या होता है, जो एक सिंपल इसमें रेवेन्यू जनरेट करना जो बात है, क्या हमारे पास ऐसे प्लान्स है, हमारा एनुअल प्लान रेडी रहता है क्या, एनुअल प्लान में
हम लोगों का खर्च कितना हो रहा है, एक्सपेंसेस कितना हो रहा है और हम कितना अर्न करेंगे, ऐसा कोई कैलेंडर बनाते हैं क्या? इस महीने में हम इतना कमाएंगे, उसका बेसिस क्या है, उसका कोई क्लैरिटी नहीं होता है। गवर्नमेंट से फंड आए तो चलाएंगे, नहीं तो बंद कर देंगे, इस तरह से हमारी भूमिका होती है। बट दूसरे भी कोई फंड्स मिलते हैं और हम क्या क्या ऐसे माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम प्रोफेशनल रूप से सोचने के लिए तैयार नहीं है। म्यूजियम में ये बातें बहुत ज्यादा पैमाने पर हम देखेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट टू पॉलिसी मेकर्स। हमारे देश में कितने आर्काइव्स ऐसे हैं, या ग्लोबल लेवल पर भी, हमें स्पेशली अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो इंटरनेशनल लेवल के आर्काइव्स है उसको छोड़ करके, नेशनल लेवल उसको छोड़ करके, फिर आगे जो स्टेट लेवल एंड जोनल लेवल रीजनल लेवल की बात करते हैं, पॉलिसी मेकिंग के लिए कितने ऐसे आर्काइव्स उपयोग में लाए जाते हैं। सिंपल थिंग, एक रिसर्च पेपर जब आप लिखते हैं, हम सभी एकेडमिक फील्ड से लोग हैं, कितनी बार हम आर्काइव्स का उपयोग करते हैं, कितनी बार हम प्राइमरी सोर्सेस का यूज करते हैं। वी ऑल आर डिपेंडेबल ऑन द सेकेंडरी सोर्सेस ओनली, जो ऑनलाइन में अवेलेबल है हम सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं, बट एक्चुअल जाकर के हम प्राइमरी सोर्सेस को देखेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, या ऑनलाइन में भी जो प्राइमरी सोर्सेस है उसको हम अध्ययन करेंगे, ये हम नहीं करते हैं। तो पॉलिसी मेकिंग के लिए आर्काइव्स का यूज करना वो हमसे और ज्यादा दूर रह जाता है। ये हमने कई नेशनल सेमिनार्स और इंटरनेशनल सेमिनार्स में ये वेरिफिकेशन किया हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ सालों तक इसका एक सर्वे किया था, अलग अलग सर्वे मैंने अपने जीवन में किए, तो 7 years का सर्वे हमने किया था और लगभग उसमें हमने हंड्रेड्स के करीब जो है 95 एग्जैक्टली सेमिनार्स, नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार जो हुए थे उसमें हमने सर्वे किया था कि कितने लोग रिसर्च पेपर लिखते समय में प्राइमरी सोर्सेस और स्पेशली आर्काइव्स का उपयोग करते हैं। आर्काइव्स में हमने सिर्फ आर्काइव नहीं रखा था, आर्काइव्स, लाइब्रेरीज और म्यूजियम्स, ऐसे जहां पर हमें ये प्राइमरी सोर्सेस प्राप्त होते हैं उसको हमने रखा था, मगर उसका रेशियो अगर देखा जाए तो 0.11 वो आया था। सो ये अपने आप में एक अलग बात है। पॉलिसी मेकिंग की अगर हम बात करेंगे तो मुझे नहीं पता कि ये परसेंटेज कहाँ होगा, बट नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर हाँ इसके बारे में जरूर सोचा जाता है। तो हमें इसे स्टेट लेवल और रीजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ तक कि हमारा इंस्टीट्यूशनल लेवल, स्कूल कॉलेजेस तक भी हमें इन बातों को सोचना है। बहुत बार कॉलेज में जाने के बाद सहज रूप से प्रश्न पूछते हैं, आपका कॉलेज कितना पुराना आपको पता है, आपकी संस्था कितनी पुरानी आपको पता है, ऐसे सहज प्रश्न पूछते हैं, उन्हें नहीं पता होता है। इसका कारण क्योंकि कभी वो आया ही नहीं ना, हमें किसी ने बताया नहीं, या कभी हमारे अध्ययन में नहीं आया, पढ़ने में नहीं आया, ऐसा हो जाता है। अभी यहाँ पर फिर आगे तो काफी सारी बातें, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट, इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस, रिसर्च, एजुकेशन, आर्काइव्स का उपयोग एजुकेशन के लिए हो सकता है। इस लेवल तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ अभी भी दो ही बातें चल रही है, एक तो कलेक्शन और दूसरा है उसका मेंटेनेंस। बस मेंटेनेंस तक अभी हम है, कुछ जगह मेंटेनेंस भी प्रॉपर नहीं है, वो जैसे तैसे है, प्रॉपर नहीं है। मेंटेनेंस में बहुत बातें आती है, वो भी हम देखेंगे। फिर आगे एम क्या है वगैरह वो सारा दिया है, प्रिजर्वेशन ऑफ आर्काइवल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी अराउंड द वर्ल्ड, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, रिसर्च, क्या हम सच में ऐसा एक्सपीरियंसेस शेयरिंग करते हैं। वन थिंग, जैसे इंस्टीट्यूशनल लेवल की अगर बात करेंगे तो एक शहर में अगर दो आर्काइव्स है, क्या वो साथ में मिलकर के कभी ऐसे एक्सपर्ट्स, उनके चार लोग बैठे, इनके चार लोग बैठे, ऐसा कभी डिस्कशन किए है? मैं जब स्पेशली म्यूजियम्स में जाता हूँ तो हम लोग ऐसा सर्वे करते हैं और पूछते हैं कि आपके शहर में इतने इतने, नागपुर सिटी में अभी 22 म्यूजियम्स है, नाउ आई एम इन नागपुर, 22 म्यूजियम्स है, पुणे सिटी में अराउंड 35 म्यूजियम्स है, और मुंबई सिटी में लगभग 90 के करीब म्यूजियम्स है, और महाराष्ट्र की बात करेंगे तो अराउंड 250 म्यूजियम्स, इंडिया की बात करेंगे तो 1833 म्यूजियम्स, जिसका डॉक्यूमेंटेशन हमने पूरा किया हमारे पास है। जब इंस्टीट्यूशंस में पूछते हैं कि आपने ऐसे आपके पास जो भी है बेस्ट थिंग्स है, क्या हमने उसको कभी एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, नहीं किया, लोग पूछने को भी तैयार नहीं होते, बताने को भी तैयार नहीं होते, बट जिनको बाय हार्ट अपने विषय के बारे में आस्था है, रुचि है, डीपली इंटरेस्ट है, वो लोग जरूर पूछेंगे, हम एक दूसरे से इसके बात करते रहेंगे। सो रिसर्च एंड आइडियाज ऑन प्रोफेशनल आर्काइव्स, और बहुत बार ऐसा होता है
कि हमें कुछ आइडियल बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखाई देते हैं, पता चलता है कि इनके यहाँ पर ये बेस्ट हो रहा है, तो हम उनके साथ डिस्कशन करते हुए साथ में मिलकर के आगे बढ़ने के बारे में क्यों नहीं सोचते। आप भी कुछ अच्छा करेंगे, हमारे पास कुछ ये इंफॉर्मेशन है, हम आपको शेयर करेंगे, आप क्या इंफॉर्मेशन हम लेंगे। इसके लिए इंटरनेशनल काउंसिल के पास जैसे हैंड्स ऑफ टू मेन बॉडीज, एक जनरल असेंबली है जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है और वही सारा मैक्सिमम डिसीजंस लेती है, यानी फाइनल अथॉरिटी जिसको हम कहते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी है, बट एक्चुअली जैसे हमें पता है जनरल असेंबली में सिर्फ विषय रखा जाता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही उसका सारा निर्णय पहले कर लेता है, मगर परमिशन चाहिए ही जनरल असेंबली का। यहाँ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है चेयर ऑफ रीजनल ब्रांचेस एंड द सेक्शंस, जो 199 कंट्रीज है उसमें इनके जो रीजनल ब्रांचेस है उसकी तरफ से इसका जानकारी मिलता है। अभी इंश्योरिंग दिस ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनली एंड प्रोफेशनली, अभी हमारा नेसेसिटी क्या है, आवश्यकताएं क्या है, कहाँ एडजस्टमेंट्स करना है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या है, फ्यूचर हमारा विजन क्या होना चाहिए, हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है उसकी पूर्ति की ओर हम कैसे जा रहे हैं, ये सभी तय करने के लिए इस तरह का एक बॉडी होता है। जनरली हमारे आर्काइव्स में दो तरह की, आर्काइव्स एंड म्यूजियम दोनों में दो तरह की बॉडी होती है, एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी जो वास्तविक रूप से कार्य करता है, और दूसरा होता है हमारा एडवाइजरी बोर्ड। सो ये एडवाइजरी जो होते हैं वो सिर्फ सजेशंस दे सकते हैं, बट एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन का कार्य जो होता है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। यहाँ किसी भी आर्काइव्स के लिए बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या करना है, सो पहले तो यह है कि आर्काइव्स शुरू करने से पहले, या अगर आर्काइव्स शुरू भी कर दिया है तो एक ब्रीफ सर्वे आपको करना होगा। किन चीजों का ब्रीफ सर्वे, आपका आर्काइव्स का जो मोटो है, जो भी उद्देश्य है जिसके तहत आपने ये बनाया है, तो वो मटेरियल कहाँ पर है, वो कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रिलिमिनरी एक लिस्ट बना सकते हैं क्या, एक प्राइमरी लिस्ट बनाइएगा कहाँ कहाँ से हम किन किन से ये चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। अब जब एक बार ये बन गया तो सेकंड है कि आपको वहां पर जाकर के वो मटेरियल देखना पड़ेगा, उसको कंटेंट रिव्यू ऐसा शब्द प्रयोग किया है, उसका भी एक लिस्ट बना सकते हैं, यानी एक्चुअल उस कलेक्शन में को विजिट करने के बाद में वहां क्या क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी होगा, रिकॉर्ड्स, फाइल्स, उसका एक लिस्ट बनाना है। उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस, अभी ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या है, आपके आपके पास जितना भी मटेरियल मिल गया उसका कई बार हमें सेग्रीगेट करना, ऐसा हम शब्द प्रयोग करते हैं, यानी वो सब्जेक्ट वाइज और जो भी हमारा ये है उसके अनुसार हमको उसका कैटलॉगिंग वगैरह बनाना, एक बेसिक इन्वेंटरी उसके आधारित हम कर लेते हैं। बाद में उसका उपयोग कैसे करना है, अभी ये तो कर लिया, और उपयोगिता, फिर लास्ट वाला एक शब्द यहाँ दिया है फाइंडिंग एड्स, अभी ये बात मैं दूसरी तरीके से बोलना चाहूंगा कि जैसे मटेरियल तो आ गया उसके बाद में हमें उसकी उपयोगिता कहाँ पर कर सकते हैं, दो तरह से, एक तो पहला डिजिटाइजेशन करके ऑनलाइन में एक्सेस देना, या हमारे आजू बाजू के जो इंस्टीट्यूशन है, सराउंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, लाइक आपके पास अगर आपके यहाँ आर्काइव्स में 18th और 19th सेंचुरी के अगर बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड रिपोर्ट्स, सर्वेज, डॉक्यूमेंट्स अगर अवेलेबल है, तो क्या हम उसका उपयोग अपने आजू बाजू के एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर 1857 का जो वॉर हुआ था, तो 1857 वॉर के बारे में अगर कुछ डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं तो क्यों ना हम अपने आजू बाजू के इंस्टीट्यूशन में जाकर के उनके साथ इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते, साथ में मिलकर के कुछ ब्रोशर्स, बुकलेट्स, बुक्स पब्लिश कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि आप इसे उसका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग जो है, यूज जो है वो कर सकेंगे, उसके द्वारा भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये कैसे करना है इसके बारे में हमारे नेक्स्ट सेशंस में आपको पता चलेगा। अभी यहाँ जो कंप्लीट मैनेजमेंट में पांच चीजें जो है, सिस्टम मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट, कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट, अभी ये पूरा डिटेल उसमें यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे जैसे आप काम करते चलेंगे आपको ये सारा डिटेल रूप में जानकारी जो है वो लेना आवश्यक हो जाएगा। जैसे एक लास्ट का ही हम देखेंगे यहाँ, फाइल मैनेजमेंट, सो आर्काइव कलेक्शन, स्टैटिस्टिक्स, रजिस्ट्रेशन, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, उसका नेमिंग फाइल का, आर्काइव स्टोरेज वगैरह सारा। यहाँ एक बात पर फिर मैं आता हूँ कि जिस समय में
लास्ट, ये सिर्फ इतना एक पॉइंट पर मैं बात करता हूँ, जब स्टोरेज किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी जैसे आर्काइव्स हो या आर्काइव म्यूजियम या अदर इसमें बात करते हैं, तो हमारे पास में जनरली स्टोरेज के लिए जो जगह होती है वो 20-30% तक ही होती है, बाकी जो है ऑफिस स्पेस अराउंड 10-15-20% डिस्प्ले एंड अदर जो भी पब्लिक कम्युनिटीज के लिए जो भी जगह देना है उसके लिए 30-40-50% ऐसी जगह चली जाती है, बचा हुआ जो 20-30 और मैक्सिमम 40% स्टोरेज के लिए जाता है। बट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो जो चीजें स्टोरेज में होती है उसका क्वांटिटी जो है परसेंटेज के रूप में अराउंड 70-80% होता है, 20-25% और 30% ही डिस्प्ले में होता है। सो ये चीज को हमें समझना है, तब जब हम वो स्टोरेज करते हैं तो क्या वो प्रॉपरली हो सकता है, नहीं होता है, उसके लिए फिर क्या करना है, वो मैनेजमेंट प्रॉपरली आपको करना होगा। ये चीजें हम अगले इसमें समझेंगे। यूनेस्को का आर्काइव्स, अभी जैसे हमें पता है कि ये भी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे हजारों की तादाद में क्वांटिटी में हम नहीं देखेंगे, ये नीचे जो फोटोग्राफ्स एंड फिल्म्स ऑडियो रील्स और ये सभी दिया हुआ है, ये सारा मटेरियल जो इन्होंने कलेक्ट किया मिलियंस में आंकड़ा चला जाता है यहाँ दिया है, उन्होंने उसके लिए क्या किया है, यानी यूनेस्को, ऐसे हम लोग कुछ भी अगर देखना है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसा शब्द प्रयोग करती है, हम यूनेस्को केस में जाकर के खजुराहो हो या जो भी साइट है हम तुरंत वहां जाकर के देखना पसंद करते हैं, इसके लिए क्या है आर्काइव्स डाटाबेस है जिसको यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है A2M। A2M क्या है, एक्सेस टू मेमोरी, सो इज अ वेब बेस्ड ओपन सोर्स एप्लीकेशन। क्या हमारे पास में ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अगर हम शब्द प्रयोग करते हैं लाइब्रेरी में, ऐसे कुछ हम यूज करते हैं, कोई बता सकता है कि हाँ हमारे पास में हम ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऐसा कोई नाम बता सकते हैं किसी आर्काइव्स में किसी लाइब्रेरी में हम ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऐसा कोई नाम बता सकते हैं, आप खुद अगर यूज करते हो तो बताइए, या आपको पता हो तभी बता सकते हैं। एनीवन, आवाज आ रही है क्या, मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी। सो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बता सकते हैं कि किस तरह के सॉफ्टवेयर, कोई एक नाम बता सकते हैं, जैसे लाइब्रेरीज में कोहा सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, गूगल कर लीजिएगा कई सारे नाम आपको मिल जाएंगे, और आजकल फ्री में यूज कर सकते हैं ऐसे भी काफी सारे अच्छे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और यहाँ नीचे जो दिया हुआ है द आर्काइवल डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज्ड बाय यूनेस्को आर्काइव्स इन A2M इज जनरल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर आर्काइवल डिस्क्रिप्शन ISAD, ऐसा जिसको हम कहते हैं। दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स। कितने तरह का मटेरियल है, उसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, यहाँ पर दिया है 16 आर्काइव ग्रुप्स, ऐसा उन्होंने कहा है, ऑडियो विजुअल आर्काइव्स, माइक्रो कॉपीज और भी बहुत सारा हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है इन सम केसेस जब आप कोई मेल के द्वारा या जो भी ई कॉपीज में हमारे पास आता है उसका प्रिंट भी निकाल कर रखा जाता है। नाउ अभी आपके लिए कृपया क्वेश्चन लिखिएगा, दुनिया में ऐसे दो व्यक्ति है कि जो हमारे ऑनलाइन में जो भी महत्वपूर्ण कुछ जानकारी आ जाती है उसका प्रिंट निकाल कर रखते हैं, ऐसे कौन है दो लोग, आप बाद में मुझे उसका नाम बता सकते हैं, अगर पता है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। नाउ ब्रिटिश आर्काइव लंदन, अभी एक कुछ बॉडीज है यहाँ पर जो है अलग अलग ऐसे चार संस्थाओं ने इकट्ठा होकर के, यानी 2003 से लेकर के 2006 तक पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस, रॉयल कमीशन ऑन हिस्टोरिकल मैनुस्क्रिप्ट, स्टेशनरी ऑफिस और यूरोपियन यूनियन डायरेक्टर, ऐसे सब लोगों ने मिलकर के एक साथ आकर के ये कार्य शुरू किया, आर्काइव मैनेजमेंट का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए, यहाँ ये सेंटेंस है, वी ब्रिंग टुगेदर द स्किल्स एंड दिस, जो आज की तारीख में यानी हम स्टेट ऑफ आर्ट ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, सो हर रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो एक्सपर्ट भी हमारे पास चाहिए, तब हमें क्या करने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बॉडीज यहाँ पर दिया हुआ है, सो ऐसे साथ में मिलकर के एनजीओ शब्द प्रयोग करते हैं,
एक्सपर्ट्स, इंडिविजुअल स्कॉलर्स है, साथ में मिलकर के हमें काम करना चाहिए, जब जाकर के हम ऐसी सेवाएं भी प्रदान कर सकेंगे। यहाँ नीचे एक दिया है, मैंने जानबूझकर रखा है, वी एम्प्लॉय मोर देन 500 स्टाफ इन अ डाइवर्स रेंज ऑफ रोल्स फ्रॉम रिकॉर्ड स्पेशलिस्ट एंड रिसर्चर्स टू वेब डेवलपर्स एंड मार्केटिंग असिस्टेंट्स। अब आर्काइव्स वालों को मार्केटिंग असिस्टेंट्स रखना पड़ रहा है, क्या कभी आपने कोई ऐसा आर्काइव्स का नाम सुना है कि उनके पास मार्केटिंग असिस्टेंट है? किसी म्यूजियम के पास मार्केटिंग असिस्टेंट है क्या, कोई बता सकता है यहाँ पर? हाँ, हमें ये म्यूजियम का नाम पता है, उनके पास मार्केटिंग असिस्टेंट है। एनीवन? ये क्यों? क्योंकि हम लोग जब साथ मिलकर के काम करते हैं, विजन आपका जो है, अगर वो वाइड पर्सपेक्टिव में अगर हम एक बृहद विशाल दृष्टिकोण के साथ कार्य करते हैं, तब ये बातें संभव है। अदरवाइज हम सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं, और कुछ जो ऐसा विजनरी पर्सनल जहाँ पर है या ऐसे विजनरी इंस्टीट्यूशन जहाँ है, वो तो कहाँ आगे निकल जाते हैं। भारत की एक बात करते हैं तो यहाँ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स दिल्ली जो है, जिनकी तरफ से दो नेशनल प्रोजेक्ट मुझे मिले। सो यहाँ का कलेक्शन बहुत बड़ा है, और कलेक्शन के साथ साथ उन्होंने दूसरों के साथ भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स यहाँ पर दिया हुआ है। सो बहुत सारा काफी कुछ चीजें उन्होंने कलेक्ट किए हुए हैं। उनके यहाँ के जो दो प्रमुख विभाग, जैसे कला संपदा है, क्या है ये कला संपदा, कोई बता सकता है? भारत से जो भी है कला संपदा क्या है, कोई बता सकते हैं? हम जिसे टैंजिबल इनटैंजिबल हेरिटेज ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, तो इनटैंजिबल हेरिटेज में जो कलाएं, आर्ट्स जो आती है, जो आर्ट प्रैक्टिसेस है देश भर में, नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड कंट्रीज आल्सो, उन्होंने वो सारा डॉक्यूमेंटेशन करने का बहुत अच्छा कार्य किया है, और हजारों लाखों की तादाद में ऐसे लोगों के रिकॉर्डिंग्स उन्होंने किए हैं, डॉक्यूमेंटेशन किया है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स और द पेपर डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सारे काम उन्होंने किए हैं, और एक बहुत बड़ा संग्रह उनके पास है। ये किस लिए आवश्यक है? क्योंकि आर्काइव्स का एक मुख्य काम होता है डॉक्यूमेंटेशन करना, तो ये कार्य यहाँ पर हमें दिखाई देता है। इसी के अंतर्गत एक दूसरा विभाग है, एक्चुअली ये कल्चरल मिनिस्ट्री के अंडर है, इट्स एन जिसको हम एक अपना अलग से अस्तित्व रखने वाली एक बॉडी है, बट है कार्यालय उनका IGNCA में ही, नेशनल मिशन फॉर मैनुस्क्रिप्ट, फरवरी 2003 में शुरुआत हुई, और देश भर से सारे पांडुलिपियों को, ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखना, उसका लिस्टिंग बनाना, कैटलॉग्स बनाना, डिजिटाइजेशन करना, ये उसका मुख्य कार्य है। सो यहाँ पर अभी दिखाई देता है, उसके लिए उन्होंने अलग अलग जगह पर रिसोर्स सेंटर्स बनाए। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ, क्या कभी हमारे किसी स्टेट आर्काइव्स ने या किसी हमारे जोनल या रीजनल आर्काइव्स ने या नेशनल आर्काइव्स ने भी, वेरी सॉरी टू से दिस वर्ड बट क्योंकि मैं उतना लायक हूँ नहीं, मुझे पता नहीं है, क्या हमने कभी ऐसे देश भर के अलग अलग यूनिवर्सिटीज को या इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट जैसा शब्द प्रयोग हम करते हैं इंस्टीट्यूशंस को, क्या कभी हमने ऐसा अपना रिसोर्स सेंटर समझा है? क्या हम वहां पर ऐसी हाँ, नेशनल लेवल पर ये काम नेशनल आर्काइव्स भारत के द्वारा किया गया है कुछ पैमाने पर, ये हमें पता है, मगर स्टेट आर्काइव्स की तरफ से ऐसे कोई रिसोर्स सेंटर्स बनाए गए, ये मुझे नहीं पता है। या फिर जो बने, ये 2003 के बाद की हम बात कर रहे हैं, उसके पहले क्या स्थिति थी, या अभी भी जितना इफेक्टिव यूज किया जाना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है? एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक इंस्टीट्यूशन को हम अपने साथ में एज अ पार्टनर के तौर पर हम क्यों नहीं सोच सकते हैं? मैनुस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर जैसा है, अभी तो ये अलग अलग पार्टनर सेंटर और रिसोर्स सेंटर, ये अलग अलग था पहले, ये भी चेंज कर दिया गया, अभी लास्ट जो बैठक हमारा हुआ था, मीटिंग हुआ था, ये चेंज किया, अभी दोनों साथ में हो गया। सो यहाँ एक सिंपल सा ये दिया हुआ है कि 42.3 लाख मैनुस्क्रिप्ट्स जो है उसको डॉक्यूमेंटेड किया है, बट ये अभी भी 5 या 10% ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत कार्य होना, 90-95% काम होना बाकी है। यहाँ पर फिर दिया हुआ है अलग अलग, और उसका जो कार्य है वो जो किया हुआ है दिया है, बट आज भी जितना डिजिटाइजेशन हो चुका है वो अभी भी एक्सेस नहीं है, उसमें से कुछ ही धवल पटेल और कुछ ऐसे लोगों की वजह से वो कुछ ही उसमें से जो है अभी अवेलेबल है, मगर अभी बाकी सारा आना बाकी। इसका कारण क्या है? क्योंकि कानून भी, कानूनन जो गतिविधियां हैं, जो प्रविधि करनी चाहिए थी वो नहीं हुआ था, अभी नए कानून में हमने उसके संबंध में लिखा है, और अभी ये हम मान लेते हैं कि जल्द से जल्द ये सारा जो है रिसर्चर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा।
सो ये अलग अलग फेज उसके दिए हुए हैं। अभी तो कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी वो कर रहे हैं। सो अभी मगर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो जोनल लेवल तक ही सीमित है। हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तालुका लेवल तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गांव गांव में ऐसे हमारी ये धरोहर जो है वो बिखरी पड़ी हुई है। आर्काइव्स जो है, आर्काइवल कलेक्शन जो है, मटेरियल जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स के आप यहाँ मुझे नाम जो मैंने कल किए थे, वो मुझे कई ऐसे छोटे छोटे गाँव में मिले हुए है। कहीं एक आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट निर्मल मंडल में सोन नाम के गांव में, छोटे से गांव में, या फिर कहीं बिदर डिस्ट्रिक्ट में भालकी तालुका में खुदमपुर नाम के छोटे से गांव में, यानी छोटे छोटे ऐसे गांव में ये सारा मटेरियल बिखरा पड़ा हुआ है। तो उन तक ये जानकारी पहुंचना, ये ट्रेनिंग पहुंचना बहुत आवश्यक है। सो लेक्चर सीरीज, सेमिनार्स, ऐसे प्रोग्राम्स वो अभी निरंतर करते जा रहे हैं। फिर भी इसका फंडिंग बंद हो गया था, कुछ कारण थे उसके, तो फंडिंग बंद होने, गवर्नमेंट फंडिंग बंद हुआ, बट एक नेशनल ऑटोनॉमस बॉडी जब हम कहते हैं तो उस ऑटोनॉमस बॉडी के जो कर्ता धर्ता या जो भी हायर अथॉरिटीज है, उन लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम देश में या इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे कई लोग हैं कि जो फंडिंग के लिए तैयार रहते हैं, हम उनसे कुछ मदद ले सकते हैं क्या, उसके लिए सोचना है। गवर्नमेंट फंडिंग तो एक ना एक दिन बंद होना ही है, ये बात पक्का दिमाग में रखे, क्योंकि प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, तो जैसे COVID-19 आ गया तो मैक्सिमम इसका डिपार्टमेंट का फंडिंग बंद हो गया था। सो हमको वो सभी बातें सोचना है। अभी आते हैं कुछ स्टेट लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। जैसे एक मेरा पब्लिक लाइब्रेरी है एग्मोर चेन्नई का, एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, नीचे उसका कलेक्शन और ये सभी उसके बारे में दिया गया है। बट एक वहां पर वर्ड है, एफर्ट्स आर ऑन टू फुल्ली कंप्यूटराइज द लाइब्रेरी डाटाबेस। सो ये वो प्रयास कर रहे है। एक एक लाइब्रेरी का ये व्यू हम यहाँ देख सकते हैं, वेल मेंटेन्ड है और ऑन द वे, जिसको हम कहेंगे कि इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है वो अगर देखना है तो इसका अध्ययन आप कर सकते हैं। गूगल में ये नाम डाल करके इसके बारे में डिटेल और जानकारी ले सकते हैं। दो व्यक्ति जिन्होंने पूरे, यानी एक फैमिली में ही पति पत्नी दोनों जो है, पूरा जीवन जिन्होंने इस आर्काइव और मैन्युस्क्रिप्ट के कार्य के लिए डेडिकेट किया, सिनिरुद्ध दास। सो जिन्होंने कैटलॉगस कैटलॉगरियम का जो ब्रिटिश पीरियड में बना था उसको रिवाइव करके नया बनाने का, लगभग 100 वॉल्यूम्स के जितना कार्य जिन्होंने किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने यहाँ बहुत अच्छा कार्य किया है। अन्ना सेंट्रल लाइब्रेरी है, एक्सपेंसेस को देखेंगे 172 करोड़ रुपीज खर्च करके इसको बनाया गया 2011, अभी जस्ट 10-12 साल पुरानी बात है। कितनी किताबें हैं और कितने लोग यहाँ विजिट करते हैं थोड़ा सा देखेंगे। 2011 में ये लाइब्रेरी बनी हुई है और 2024 यानी 13 साल के इसमें उसका फुटफॉल क्या है उसको हम देखेंगे थोड़ा सा। अभी बाकी आर्काइव्स को कभी जब आप विजिट करते हैं तो इतना ही देख लेना कि आपके आर्काइव्स में हर रोज कितने लोग आते हैं, इतना ही पूछ लीजिएगा, एक सिंपल सा प्रश्न। म्यूजियम केस में आएंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। आर्काइव्स की बात क्या स्थिति है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के आर्काइव्स हमारे पास जनरली नहीं है, जोनल लेवल के आर्काइव्स हाँ है। अगर हम, मैं अभी जिस स्टेट में हूँ, महाराष्ट्र स्टेट में हूँ, उसकी अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र स्टेट में जोनल लेवल के आर्काइव्स को लेकर के बात करेंगे तो महाराष्ट्र स्टेट में लगभग 10 आर्काइव्स है, सो गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके। सो इसके फुटफॉल के बारे में अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम डेली जो है, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ जोनल लेवल पर, 10 से लेकर के 15 मैक्सिमम लोग आते हैं। स्टेट लेवल की अगर बात करेंगे तो स्टेट लेवल पर जो है ये संख्या थोड़ा ज्यादा हो सकती है, मगर बहुत भी ज्यादा नहीं, 20 से 25, बस इसके अलावा नहीं है। इससे ज्यादा तो अच्छा यूनिवर्सिटी का कंडीशन, लाइब्रेरी का अच्छा है, कुछ ही यूनिवर्सिटीज, जैसे दिल्ली की अगर बात करूंगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह जो है वहां का कंडीशन ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी उपयोगिता क्या है वो अभी सिद्ध नहीं कर पाए हम, समाज को अभी तक हम ये एहसास नहीं दिला पाए कि इसका उपयोग क्या है, व्हाई इट हैपेंड, क्यों ऐसा हो रहा है, क्वेश्चन मार्क करें। तो इन लोगों ने कैसे काम किया कि जो इतना इतना ज्यादा फुटफॉल वहां पर है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये जो प्रोफेशनली इसका काम कर रहे हैं उन लोगों को ये बात हम समझ सकते हैं, वहां के सारे फैसिलिटीज और इसको देखेंगे तो ये बात को समझ सकते हैं। ऐसे हमारे देश में
यानी पुराने से लेकर के ये सारे आर्काइव्स, अलग अलग स्टेट के आर्काइव्स, पहले तो मैंने गवर्नमेंट आर्काइव्स की बात रखी, फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी आर्काइव्स एंड अदर आर्काइव्स की हम बात करते हैं। कई सारे ऐसे अलग अलग आर्काइव्स है, दो देर आर दी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, म्यूजियम्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, उनके अपने जो कलेक्शन है, बहुत ज्यादा बड़ा कलेक्शन, जैसे खुदा बख्श लाइब्रेरी है पटना का, या मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता का। मेरे पास एक छोटा सा लिस्ट मैंने बनाया था, मात्र 30 ऐसे लाइब्रेरीज है भारत के, कि जो 30 लाइब्रेरी के अंदर की किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट, ऐसा मैंने उसका अलग अलग ये किया था। तो मैन्युस्क्रिप्ट की अगर बात करेंगे तो 30 लाइब्रेरी में मिल करके लगभग जो है 28 लाख मैन्युस्क्रिप्ट, यानी अराउंड 30 to 30, 30 लाइब्रेरी में लगभग 30 लाख पांडुलिपियां, और किताबों की संख्या अगर देखेंगे तो ये 1.5 करोड़ के करीब किताबें हैं। सो दोनों मिलाकर के अराउंड 1.8 करोड़ ऐसा उसका कलेक्शन है, 180 लाख। तो ये मात्र 30 लाइब्रेरियों की सूची जो मैंने बनाई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी आते हैं थोड़ा सा प्राइवेट आर्काइव्स के ऊपर। ये भारत का एक पुराने प्राइवेट आर्काइव्स में से है, जो सिप्ला आर्काइव्स के नाम से जाना जाता है, 1935 में से स्थापित किया गया। अब सिप्ला क्या है हम लोगों को पता है, कोई बता सकता है सिप्ला क्या है? एनीवन, ये किससे संबंधित है सिप्ला? फार्मास्यूटिकल कंपनी हाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी। सो फार्मास्यूटिकल कंपनी को क्या आवश्यकता पड़ी होगी, क्यों उन्होंने ऐसा किया होगा, क्या संबंध है उसका, किस तरह से उनको वो इंस्पायरेशन मिला होगा, उसका हिस्ट्री थोड़ा सा समझ लीजिए। अब हम आरोग्य सेतु जैसे ऐप, जब कोविड हुआ तो आरोग्य सेतु जैसे ऐप की हम बात करते हैं, मगर ये डेटाबेस तैयार करना हमारे फार्मास्यूटिकल्स और इससे संबंधित, इसकी शुरुआत उन्होंने कैसे की वो हम वहां से जान सकते हैं। टाटा सेंट्रल आर्काइव्स और एक दूसरा उदाहरण है, ये कारपोरेट बिजनेस आर्काइव्स है। भारत ने कई सारे बिजनेस ग्रुप्स जो है उसमें से एक बड़ा ग्रुप जिसे माना जाता है, मे बी इट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप, ऐसा मैं समझता हूँ। मार्केट में रोज चढ़ाव उतार होते रहते हैं, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। तो ये टाटा का वो सेंट्रल आर्काइव जो उन्होंने बनाया हुआ है, काफी सारा काम उन्होंने किया है। यहाँ पर एक शब्द लिखा है 49 नंबर पर, ये उन्होंने अपना कॉफी टेबल बुक पब्लिश किया था, उसका फोटोग्राफ है, द फर्स्ट ग्रीन आर्काइव इन इंडिया। क्या होता है ये ग्रीन आर्काइव? कैन एनीवन एक्सप्लेन अबाउट इट? ग्रीन आर्काइव क्या होता है? ग्रीन म्यूजियम बिल्डिंग क्या होता है? Have they digitized the entire archives or something? यहाँ आप थोड़ा सा बस ये दो लाइन पढ़ेंगे कि TCA इज द फर्स्ट बिजनेस आर्काइव इन द कंट्री टू विन द कवर्टेड प्लैटिनम रेटिंग, हाईएस्ट रिकॉग्निशन अंडर द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ग्रीन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस रेटिंग सिस्टम। एक ऐसा बिल्डिंग जो आर्काइव्स पर्पस के लिए यूज किया गया है, मगर जिसके नॉर्म्स जो है वो ग्रीन बिल्डिंग के तहत उन्होंने पूर्ण किए हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं तो उसमें उसका जो कार्बन फुटप्रिंट वगैरह जैसे शब्द प्रयोग हम करते हैं, एनर्जी इमिशन की बात करते हैं, तो उसको किस हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं वो एक्सपर्टीज पर निर्भर करता है। सो दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग। और म्यूजियम के क्षेत्र में पहला म्यूजियम कौन सा है? कैन एनीवन से इंडिया का फर्स्ट ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड जिसे मिला है वो कौन सा म्यूजियम है, बता सकते हैं? ठीक है, नहीं बता सकते तो लिख के रखिएगा, सर्च कर लीजिए, नहीं मिला तो बाद में जवाब तो मिलेगा ही। ये उनका एग्जीबिशन गैलरी है, उन्होंने सिर्फ आर्काइव नहीं बनाया, आर्काइव म्यूजियम भी बनाया। ओल्ड फर्नीचर को उन्होंने इस तरह से यूज किया है और आज भी वो एज इट इज है, और बेस्ट रूप से उन्होंने उसको मेंटेन भी किया हुआ है। इसी को आदर्श मान करके, क्योंकि यहाँ जिन लोगों ने विजिट किया इसको आदर्श मान करके देश भर के कई उद्योगपतियों ने, अभी मेरे अपने अध्ययन के अनुसार भारत ने 52 ऐसे बिजनेस आर्काइव्स हमें दिखाई देते हैं, जिसमें जहां पर मैंने काम किया, सो जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड, तो जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड का जो पद्मश्री भंवरलाल जी जैन है उनका ऑफिस भी आज जाने के बाद देखेंगे, उनके जाने के बाद भी इसी तरह से उसको संभाला गया है, इंक्लूडिंग इज ऑल डॉक्यूमेंट्स। सो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा शब्द प्रयोग यहाँ किया है। सो इस तरह के अल्मीराज को क्यों यूज किया जाता है लाइब्रेरीज में और आर्काइव्स में, क्या क्या रीजन है इसका? एनी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है अपने सेशन में कृपया वो बता सकते हैं क्या? कोई टीचर प्रोफेसर मत बोलिए, प्रोफेशनल्स, एनी स्टूडेंट कोई बता सकते हैं?
ठीक है, रिसर्च स्कॉलर्स बता सकते हैं अभी? ठीक है, कोई भी बता दीजिए, लाइब्रेरी वाले लोग छोड़ के कोई भी बता दीजिए। सर मैं बोलूं? हाँ जी जी सर, ये मूवेबल रैक बाय नंबरिंग करने में आसानी होती है, और दूसरा ये कि इसमें आप क्लासिफाई करके अपनी आइटम जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि हमारे म्यूजियम के रिजर्व जो है में यही सिस्टम है। ये बाहर जैसे लीवर लगाया हुआ है, इसको हम घुमाते हैं, इसलिए स्पेस मतलब वो बाहर आपके आ जाते हैं जो इसमें है, और फिर हमें इसमें लेबलिंग करना आसान होती है, चीजों को क्लासिफाई करना आसान होता है। जी सही बात, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या ये है कि इसके लिए स्पेस जो है, यानी पहले क्या होता था कि अगर हमारे पास में एक 10x10 का हॉल है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम 4 या 5 रूही रैक्स रख सकते थे, कबोर्ड रख सकते थे, क्योंकि उसके अंदर से घूमने के लिए भी जगह चाहिए होती थी ना, वो मुंह नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर मुंह करेंगे तो वो गिर जाएगी सारी चीजें, नुकसान हो जाएगा, ऐसा होता था। बट अभी उसको सभी ड्रॉबैक्स को निकाल करके ये बनाया गया। सेकंड थिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सारे एक साथ पैक करके रखे जाते हैं, यानी एक साथ लगा के रखे जाते हैं, तब डस्ट जो है उसका इफेक्ट होना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे को चिपक के रहते हैं, जो सिर्फ फ्रंट वाला होगा उसी के ऊपर डस्ट होगा, तो उसमें कंपैरेटिवली लेस इम्पोर्टेंट जो है वो दस्तावेज रखे जाते हैं या मटेरियल रखा जाता है। तो म्यूजियम हो या लाइब्रेरी हो या आर्काइव्स हो, उसमें इस तरह का ये स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी यूज किया जाने लगा है। तो हम भी शायद इस तरह का प्रयोग कुछ अपने घर में भी कर सकते हैं, पहले से कुछ करते भी है कि हमारा जो बेड होता है उसके ऊपर हम सोते हैं, मगर बेड के अंदर भी हम कुछ चीजें रख सकते हैं, ऐसे कई प्रयोग करते हैं ना। तो आर्काइव्स और म्यूजियम जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसे प्रयोग नित्य नूतन होते रहेंगे। ये कुछ उनके कलेक्शंस है। बाद में आता है गोदरेज आर्काइव्स। एज पर माई स्टडी, भारत का वर्तमान का सबसे बेस्ट प्राइवेट या जिसको बिजनेस आर्काइव कहेंगे, तो ये आर्काइव मेरे हिसाब से बेस्ट, ऐसा मैं मानता हूँ। उसके लिए क्या प्रमाण मैंने तय किए थे वगैरह वो भी ये करेंगे, बट यहाँ लास्ट पैराग्राफ जिसको मैंने बोल्ड किया है, दिस आर्काइव्स विच हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स दैट आर ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यूज एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स इन द कंट्री टू कंजर्व रिकॉर्ड्स यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस। एक बात शायद हम सबको पता है, जनरली तो आर्काइव्स में कॉमन पब्लिक को अलाउ नहीं करते हैं, और करते भी है तो जो सिर्फ डिस्प्ले एरिया होता है वहां तक अलाउ करते हैं, बाकी इसमें अलाउ नहीं करते हैं। सेकंड थिंग, जब अलाउ किया जाता है तो वो भी कुछ उनको चाहिए वगैरह, तो वहां तक या हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ उतना तक। अभी यहाँ ऐसा है कि कई सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, वो तो बुलाती है, मगर हम भी जा सकते हैं अगर आप इस विषय की कुछ जानकारी रखते हो तो जा सकते हैं। अगर आपके कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हो तो उसके बारे में उनके साथ डायलॉग कर सकते हैं, आपकी सेवाएं भी आप प्रदान कर सकते हैं। कुछ इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स अगर आपके पास है कि जो इस विषय में रुचि रखते हैं, तो उनको भी यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, एक्सपर्टीज लेवल जो आने वाले स्टूडेंट्स है, नए स्टूडेंट्स, उनका भी बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि मॉनिटरिंग करने वाला जो व्यक्ति होता है वो ऑलरेडी एक्सपर्ट होता है। सहयोग जिसके शब्द प्रयोग मैंने किया था, सो यहाँ पर एक बेस्ट है। और इसके लिए यानी जो अच्छे स्कॉलर्स है उनको जिसको हम कहेंगे कि प्रॉपर कुछ ऑनररियम वगैरह जो है वो भी दिया जाता है। एक शब्द प्रयोग आया है ऊपर, गोदरेज एंड नेशन बिल्डिंग। इस शब्द प्रयोग को समझेंगे तो काफी कुछ बातें हम समझ सकते हैं। नेशन बिल्डिंग ये शब्द प्रयोग अगर समझेंगे काफी बातें समझ सकते हैं। बजाज हेरिटेज आर्काइव्स, वन मोर आर्काइव्स इज देयर, कि जिसके साथ काम करने का मुझे मुंबई में नहीं बल्कि वर्धा में मौका मिला, नागपुर से नजदीक है, उनके पास का एक कलेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, और मुझे कुछ कार्य जैसे डिजिटाइजेशन का कार्य करने का वगैरह भी कुछ मौका मिला, जैसे वर्धा में सेवाग्राम आश्रम है अभी, जहाँ का आर्काइव्स का कार्य यही बजाज का ट्रस्ट जो है वो संभाल रहा है, और वहां पर भी कार्य करने का, और पहले उसके पहले सेवाग्राम में डिजिटाइजेशन करने का भी मौका मिला। अभी धीरे धीरे इन्होंने भी अपने आर्काइव्स को, बट लाइब्रेरी का स्थिति अभी भी उतना अच्छा नहीं है, वो कर रहे हैं क्योंकि वहाँ कुछ अभी एक्सपर्ट्स लोग आए हैं, वो काम कर रहे हैं, बट
जिसको जैसे कोई एक छोटा सा फोटोग्राफ है, यानी पुराने वाले जो फोटोग्राफ होते थे उसको अगर हमें इनलार्ज करना है तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं निवन से? मैं ये आर्काइव्स में, इस आर्काइव्स में हमने जो काम किया उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एनीवन, आप भी कर सकते हैं प्रयोग, अपने यहाँ भी कोई बता सकता है घर में, अगर एक बहुत पुराना छोटा सा फोटो, पहले वाले जो होते थे कोडा कैमरा से, उसके पहले वो छोटा और एक होता था, तो वैसे रहे तो क्या करेंगे आप, उसको अगर बड़ा करना है तो क्या करेंगे, कोई बता सकता है? सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करना एक अपने आप में अलग बात है, उसमें भी वो नॉलेज होना चाहिए, बट ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में भी कुछ कर सकते हैं, कोई बता सकता है? या एक 4x6 का फोटोग्राफ है हमारे पास पुराना, कोडाक कैमरा से हमने किया हुआ, उसको हमें 10x12 फीट के साइज में दीवार पर लगाना है, पूरा एक कटआउट बनाना है, पिक्सल नहीं फटने देना, तो क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे? लिख के रखिए इसको भी, अगर जवाब नहीं मिलता है तो बाद में आप पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है नेशनल लेवल के आर्काइव्स का, तो वो किस तरह का है, उसमें यहाँ पर दिया हुआ है ये कमिटी जो प्लानिंग डिवीजन एक्विजिशन, सबसे पहले तो हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है ये तय करना है, पहले सेशन में भी मैंने बताया था। प्रिजर्वेशन डिवीजन, जो चीजें ले रहे हैं उसको संभालने वाले लोग अपने पास है क्या, नहीं है तो वो टीम खड़ा करना एक महत्वपूर्ण है। सर्विसेस जो हम देना है, सर्विसेस इन आवर इंस्टीट्यूशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर द पब्लिक आल्सो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एक्सपर्ट्स, कितने वेबसाइट्स हमारे पास है? मैं देश की अगर बात करूं तो देश में जितने आर्काइव्स है उसमें से कितने आर्काइव्स की वेबसाइट अवेलेबल है? हार्डली 1%, सॉरी टू से, हार्डली 1% के अभी हमारे पास में ऐसे वेबसाइट्स और उनका अपडेशंस, फेसबुक पेज, ब्लॉग्स जो भी है, सोशल मीडिया, ये हार्डली 1% है। सेक्रेटरिएट का जो बात है, यानी सभी डिसीजन मेकिंग जो करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम करना है और फंड फंड जनरेट करना है, जो भी सारी बातें हैं, उसके बाद में पर्सनल ऑफिस एंड अकाउंटिंग ऑफिस, ये सारी बातें हमारे नेशनल आर्काइव्स के स्तर पर देख सकते हैं। अब हम इसमें कहाँ पर कैसे लोगों की मदद ले सकते हैं, मैंने जानबूझकर यहाँ पर लिया ग्रेजुएट लेवल वर्क्स। अगर मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी कार्य शक्ति अगर आप खड़े करने चाहते हैं, वर्किंग फोर्स अगर आप तैयार करना चाहते हैं, टीम खड़ा करना चाहते हैं, तो प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के काम करने का। तो ये ग्रेजुएट लेवल दिया है, मैं इसे नीचे भी बता सकूंगा, 10वीं 12वीं के बच्चों को लेकर के भी हम क्या कर सकते हैं। सो ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स को लेकर के हम क्या काम कर सकते हैं, और ग्रेजुएट लेवल शब्द प्रयोग को आप अलग तरह से भी देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड ग्रेजुएट लेवल, ऐसे दो लेवल मैंने कहा। टास्क क्या दे सकते हैं, स्किल्स क्या होना चाहिए, जनरली नहीं है तो भी हम उनमें वो थोड़ा सा ट्रेनिंग दे करके वो उनको प्रैक्टिसेस के साथ में हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने जानबूझकर ये बताया, क्योंकि हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम फील्ड वर्क करेंगे, तब हमें लगेगा कि अरे अपने पास लोगों की कमी है, मैन पावर नहीं है। बहुत बार ये समस्या आती है, मैन पावर नहीं है तो मैन पावर आप तैयार नहीं कर सकते हैं क्या, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता है क्या? जैसे उदाहरण के तौर पर, शायद मैंने बताया नहीं, बताया मुझे याद नहीं अभी, डायरेक्टरी ऑफ म्यूजियम्स इन इंडिया का काम, 1833 म्यूजियम्स का डॉक्यूमेंटेशन का काम हमने किया मात्र 4,87,000 रुपए खर्च करके, 4,87,000 रुपीज, 13,000 रुपए मैंने वापस दे दिए, 5 लाख रुपए मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, और ये काम हमने 6 महीने के भीतर, वैसे तो हमने 5 महीने में ये कार्य पूरा किया, 5 महीने में 1833 भारत जैसे देश में हमने ये डॉक्यूमेंटेशन करने का काम पूरा किया। किसके बलबूते पर, किस आधार पर, क्या शक्ति थी हमारे पास में? ये शक्ति थी, ये हमारे सारे जो स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स, उनका जो सभी वर्किंग फोर्स, ऐसा हम शब्द प्रयोग करें, ये टीम, एक अच्छा टीम हमने बनाया, टीम के साथ निरंतर डायलॉग करते रहे और ये कार्य हम पूरा कर सके। सो क्या टास्क देने हैं, उनमें क्या स्किल्स होने हैं या क्या स्किल डेवलप करने हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सेम थिंग पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी आप ये टास्क और स्किल्स को तय कर लीजिएगा, तब जाकर के क्या होगा, आप एक बहुत अच्छा सशक्त एक पूरा टीम वर्क खड़ा कर सकेंगे और समाज में अवेयरनेस अपने आप में क्रिएट होगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा
महत्व उनको समझ में आएगा। अभी यहाँ पर दिया है अलग अलग जो हम काम ये करते हैं, इसमें ये सभी जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, कल जैसे मैडम ने पूछा था हमें वो भाषाएं नहीं आती है, लिपियां नहीं आती है, तो क्या करना है। आर्काइव्स का ये भी एक काम है ना कि हमारे पास में ऐसे स्क्रिप्ट के एक्सपर्ट होने चाहिए, भाषाओं के एक्सपर्ट होने चाहिए, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होने चाहिए, नहीं है तो ट्रेनिंग देने का काम करना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मोडी स्क्रिप्ट जो 12th 13th सेंचुरी से लेकर के 1960 तक हमारे देश में, स्पेशली डेक्कन बेल्ट में जो है चल रहा था, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटका, तेलंगाना, प्लाटू, लिटिल बिट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो। सो यहाँ पर ये जो मोडी स्क्रिप्ट जो चल रही थी, तो उसको पढ़ने के लिए एक्सपर्ट्स दिन ब दिन कम होते गए। तो 1960 से आगे जो है धीरे धीरे इसके बारे में अवेयरनेस ये हुआ, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2005-06 में, मेरे ख्याल से 5 में, इसके बारे में जो है डॉक्टर राजकुमार वांग और डॉक्टर कैलाश लोखंडे ऐसे एक्सपर्ट्स को लेकर के इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए, जिसका एक बैच का स्टूडेंट मैं भी हूँ। शारदा लिपि के संदर्भ में क्या, नंदी नागरी, ग्रंथा लिपि वगैरह ऐसे कोर्सेज शुरू किए। सो ये लैंग्वेज एंड संस्कृत के ये कोर्सेज डिजाइन करना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के इसको रन करना, एक्सपर्ट्स तैयार करना, उनको हमारे आर्काइव्स में बुलाना, और डॉक्यूमेंट्स को जो है वो डीकोडिफाइंग, ऐसा शब्द प्रयोग हम करते हैं, उसका लिप्यंतरण, भाषा जो है वो पढ़ करके वो सभी लिखना, ये सारी बातें हमें करना है। उसके बाद कई सारे अलग अलग सर्विसेज है, जैसे पोजीशन की अगर बात करेंगे हमारे पास में सर्विसेज की, तो इतने सारे हैं, मगर आज भी हमारे पास मिनिमम जो सबसे रिक्वायरमेंट है सर्वेयर्स। नौकरियां तो काफी सारी आर्काइव्स में मिल जाती है, सर्वे का काम करने के लिए आज भी ज्यादा लोग तैयार नहीं होते, क्योंकि उसके लिए ये एक हार्ड वर्क है ना, फील्ड वर्क है, तो जाना है लोगों के पास, रिक्वेस्ट करना है, बात करनी है, वहां बैठकर काम करना है, विश्वास संपादन करना है। अगर उनका आपके ऊपर विश्वास होगा तभी जाकर के लोग मदद करेंगे, है ये बताएंगे, नहीं तो वो भी नहीं बताएंगे। सो उसके लिए आपका अपना स्टाइल होना चाहिए। कलेक्शंस ऑफिसर्स, सर्वे तो करके आ गए, कलेक्शन करने के लिए भी जाना है, तो ऐसे ही लोग जेब से 50 रुपए का नोट भी कोई निकाल करके नहीं देता है, तो इतने अमूल्य दस्तावेज कैसे देंगे, तो उसके लिए भी आपके पास ऐसे एक्सपर्ट होने हैं। फिर बाकी सारे पोस्ट आ जाते हैं। अभी कुछ थोड़े उदाहरण, पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये क्या होता है, इस डिपार्टमेंट का क्या काम है, इसको थोड़ा देख लीजिए, जानकारी लीजिए। एक बात मैं सहज रूप से बोलना चाहूंगा, बहुत बड़ा ऑफिस चाहिए, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन चाहिए, बहुत बड़ा बिल्डिंग चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक छोटा सा 10 बाय 15 के इसका भी अगर ऑफिस बनाएंगे, आपके पास दो तीन भी अगर अच्छे एक्सपर्ट लोग हैं, तो आप समाज में जाकर ऐसी सेवाओं को प्रदान कर सकते हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो भी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो भी है, डिपार्टमेंट जो है, उनके साथ मिलकर के इस तरह से आप काम की शुरुआत कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एटलीस्ट इसको पहुंचाना है, तालुका लेवल पर फिर हम अगले इसमें चले जाएंगे, जोनल लेवल पर भी अभी थोड़ा थोड़ा कार्य दिख रहा है। तो इसके लिए ऐसे छोटे छोटे ऑफिसेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर बनेंगे, तो ये सेवाएं हम प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए पहले एक नेटवर्क हमारे पास होना आवश्यक है। ऐसे कुछ ब्लॉग्स है, कृपा करके इसको क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा, ये कुछ लिखा हुआ है नीचे, उसको थोड़ा पढ़ें कि ऐसे एंड्रू मेलन फाउंडेशन जो है, जो फंडिंग के लिए सहायता करता है, वो भी थोड़ा सा पढ़ लें, ऐसे कहाँ कहाँ से हमें फंड्स मिलते हैं, ग्रांट्स मिलते हैं, उसकी जानकारी लेना आवश्यक है। आप अपने यहाँ पर अपना ये सारा जो कार्य है सहज रूप से अगर करते रहेंगे, अभी मैं इसी टेबल पर बैठा हूँ जिस पर ये काम हो रहा है, काफी सारे लोग ऐसे कलेक्शंस ला करके देते हैं, लाने के बाद उसको पहले तो सिंपली आप उसको सेपरेट करना है, वो फोलियोज वगैरह सबको प्रॉपरली लगाना है, एक प्लेन पहला लिस्ट बनाना है, फिर उसके बाद उसका डिजिटाइजेशन का जो कार्य है उसको प्रॉपरली आप शुरू करना है। ऐसे करते करते ये सेवाएं जो है आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आगे चल करके इस तरह से डिजिटल एग्जीबिशंस क्रिएट कर सकते हैं, कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको इसके सामने आती है। सो आईआईटी दिल्ली का याद दिया है, आईआईटी मुंबई के साथ मिलकर के हमने उड़ान नाम से एक प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर कार्य किया। पहले ऐसे हजारों की तादाद में हमें सामने सारे दस्तावेज हो, फोटोग्राफ्स हो, मटेरियल जिसको हम कहते हैं, वो हमें रखना पड़ता था। धीरे धीरे ये जगह बदलती गई, अभी हमारे पास एक छोटा सा दस्तावेज भी हो तो हम इतने बड़े डिजिटल वॉल के ऊपर इसको देख सकते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि हम लोग इसमें एक्सपर्ट स्टेट ऑफ आर्ट के दृष्टि से जो है वो प्रैक्टिसेस करते जाना है, समाज तक भी इसको पहुंचाना है।
छोटे छोटे बच्चों को इसमें अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ऐसे जो भी संकलन है, बचपन में हमने सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज ऐसे कॉमिक्स पढ़े, चाचा चौधरी, चंपक ऐसी किताबें पढ़ी, क्या आज आपके पास है? क्या आज आपके बच्चे ये पढ़ते हैं? तो इसका जवाब आता है नहीं। क्यों? अरे वो अब कहाँ मिलता है? अरे मिलता भी होगा, बहुत महंगा हो गया, 100 रुपए कीमत अभी हो गई। बचपन में 2 रुपए में 4 रुपए में लेते थे, अब 100 रुपए कीमत हो गई, क्या लेंगे? मगर मेरे अपने बचपन में ऐसे जो 600 कॉमिक्स मेरे पास थे, मैंने डिजिटाइज करके रखे, अभी जो बेटा है वो उसको पढ़ते रहता है, उसको उसमें रुचि है। तो रुचि निर्माण करना भी ये हमारा कार्य है। ऐसे कुछ आर्काइव्स देखते हैं तो चित्र देखते ही कुछ अरे अलग होगा, देखने का मन करता है ना, तो हमें भी ऐसा कुछ क्रिएशंस करते रहना होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क फॉर एनी आर्काइव्स, इफ एनीवन विल गिव यू अ चांस और अपॉर्चुनिटी फॉर डिजाइन आर्काइव्स, आर यू लाइक टू वर्क फॉर इट? क्या आप लोग तैयार है? अगर है तो कृपया मुझे बाद में पर्सनल चैट बॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अगर आप तैयार है एक ऐसी टीम का हिस्सा बनने के लिए। व्हाट विल बी योर सजेशंस फॉर इट? क्या आपके सजेशंस हो सकते हैं? अलग अलग लेवल पर प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, पॉलिसी मेकिंग जिसको कहते हैं, क्या आप उसमें रियली इंटरेस्टेड है? क्या आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं? अगर हाँ तो किस लेवल पर और किस तरह के आपके सजेशंस होंगे आप दे सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, माय विलेज माय हेरिटेज, ऐसे कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम निकाले, बट माय विलेज ये हेरिटेज को अभी हम कैसे बताएंगे? क्योंकि जैसे किसी एक छोटे से गांव में जाते हैं, महाराष्ट्र में धुलिया डिस्ट्रिक्ट में दोंडाईचा तालुका में एक मेथी नाम का गांव है छोटा सा, उस एक गांव में, या कर्नाटका में गदग डिस्ट्रिक्ट में लकुंडी नाम का एक छोटा सा गांव है, एक गांव में लगभग 50 के करीब मंदिर है, छोटा सा गांव है। ये 50 मंदिरों की जानकारी कैसे लोगों को पता चलेगी? क्या ऐसा कोई छोटा एक ऐप हम बना सकते हैं उस गांव के हेरिटेज का? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए कौन लोग चाहिए? फिर जिनको डॉक्यूमेंटेशन पता है, सो आर्काइव्स हो या टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, साथ में मिलकर के तब ये काम हम कर सकेंगे। ऐसे बेस्ट एप्स को निर्माण करने के लिए कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कंटेंट इतना ज्यादा होता है कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं रहता। क्रिस्पी होना चाहिए, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं ना, लाइक इन आवर व्हाट्सएप मैसेजेस 130 शब्दों से ज्यादा, आजकल का लिमिट 130 वर्ड से ज्यादा अगर है तो हम उस मैसेज को पढ़ते नहीं, या तो डिलीट करते या तो बिना पढ़े फॉरवर्ड कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहा तो फिर चाहे जितना लंबा हो पढ़ लेंगे, मगर सभी नहीं पढ़ते। बैलेंसिंग कंटेंट होना है, क्रिस्पी होना है, स्टोरी टेलिंग जैसा होना है जिसमें रुचि हो, एंड टेक्नोलॉजी, कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज का अगर उसमें यूज किया होगा तो ज्यादा रुचि होगी। सो इस तरह से आप आर्काइव्स, एक बात आर्काइव्स को फिर से मैं बताता हूँ, आर्काइव्स मीन्स नॉट ओनली द कलेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, प्लीज फॉरगेट इट। मैं अभी कंटेंट के ऊपर चला जाता हूँ, हमारे गाँव के बारे में, हमारे विलेज के बारे में, हमारे सिटी के बारे में, हम ऐसे धरोहर से संबंधित कंटेंट को डेवलप करना और उसको लोगों तक पहुंचाना, ये भी अपने आप में एक वर्चुअल म्यूजियम की तरह, वर्चुअल आर्काइव्स, ऐसा शब्द प्रयोग हम कर सकते हैं। एप्स आर लाइक दैट। सो आवर टुडेज असाइनमेंट, नोट्स तो लिखे ही होंगे आपने ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं लिखे हो तो लिखिए, और ये archives.godrej.com जो है उसके ऊपर जाइएगा और कृपा करके उसका थोड़ा अध्ययन कीजिएगा, और आपके नोट्स जो है वो कृपया करके शेयर कीजिएगा। अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए, कुछ गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। चैट बॉक्स में तो हाँ, स्कैमिंग, ओके ठीक है जी, थैंक यू। अगर कुछ प्रश्न हो तो कृपया आप पूछ सकते हैं, उसके पहले लेफ्ट नहीं होना है, मीटिंग से कोई लेफ्ट नहीं होना है, जो भी दो लोग हो गए वो ठीक है, कुछ टेक्निकल होगा, बाकी लोग कृपया करके एक बार अपना वीडियो सभी ऑन करेंगे, सिर्फ नोट्स मुझे दिखाइएगा कृपया, आप जो भी लिख रहे हैं, जो बाहर होंगे छोड़ दीजिए, उनके लिए एक्सक्यूज है बाहर है तो। हाँ ठीक है, चलिए प्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी नोट्स दिखाइए, नोटबुक दिखाइए, आपका नोटबुक नहीं दिख रहा है, आप दिख रहे। प्रार्थना जी ठीक है, सबरी जी ठीक है, तन्या जी, तेजस्वी जी, हाँ ओके, तनिषा जी ठीक है, और अल्फी सर ओके ठीक है, थैंक यू, संजीव जी ठीक है, बाकी जो जो लोग नहीं दिखाए हैं वो कृपया एक बार, हाँ सत्य प्रकाश जी ठीक है, फोटो निकाल के बाद में व्हाट्सएप कीजिएगा। कृपया जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया वो अपने नोट्स जरूर लिखिएगा, धन्यवाद। अभी आप नोट्स बंद कर सकते हैं।
ये लिखना क्यों? ठीक है, ओके ओके, अभी आप हाँ बंद कर सकते हैं, कोई बात नहीं। राकेश जी, अगर लिखा हो तो कृपया बाद में शेयर कीजिएगा। मैं ये इसलिए कहता हूँ हमेशा कि हम जो लिखते हैं, यानी सुनते सुनते जो लिखते हैं, वो रनिंग कमेंट्री बाद में हम फिर से एक बार उसको रिमेम्बरिंग करते हुए लिखते हैं, और लिखने के बाद फिर कभी जब हमें ऐसा महसूस होता है कि अरे उस समय तो ये पढ़ाया गया था मगर वो अभी तो भूल गए, तो वो नोट्स, वो आर्काइव्स है ना, वो आर्काइव है, आप खुद एक आर्काइव क्रिएट करते हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, फिर उसमें से गो थ्रू करने के बाद में आपको वो फिर से एक बार पूरा जो है वो जानकारी याद आ जाती है, उसका उपयोग दूसरों के लिए कर सकते हैं, बस इसके लिए। जी अभी पूछ सकते हैं, हाँ आपने हैंड रेज किया है, आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट कीजिए, गलती से हुआ होगा तो ठीक। हाँ जी सर, मैं जी भी थी जब आपके लेक्चर को मेरे हालत 2 मिनट हो चुके थे। सर मुझे टाइटल जो है, क्या ये इंटरनेशनल जो काउंसिल ऑन आर्काइव्स है उस पे था, या क्या मतलब टाइटल क्या था सर आज के हमारे टॉपिक का? इसका मतलब आप शुरुआत में नहीं थे, इम्पोर्टेंट आर्काइव्स मैं एंड शुरू में आर्काइव्स एडमिनिस्ट्रेशन, सर इम्पोर्टेंट रिपीट कीजिएगा। आर्काइव्स एंड आर्काइव्स एडमिनिस्ट्रेशन, आप अपने कोर्स का ओके जो बैनर है उस पे जाके देखिएगा, उसमें आपको दिखाई देगा। जी एनी सर, मोर? मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी पूछिए। सर। आज के टाइम में हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आर्काइव्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, जी और सर हम इसको कैसे मतलब पब्लिसाइज कर सकते हैं, कैसे स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि आप यूज कर सकते हैं, यूजर्स को बढ़ा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, ये सवाल जो है हमेशा खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जैसे सिंपल आपको आपके बचपन के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या आप, ऐसा प्रश्न पूछना सिंपल, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका जन्म कब हुआ, या आप कहाँ पर आपका जन्म हुआ, आप कहाँ पैदा हुए, आप किस स्कूल में पढ़ाई किए, अरे ये कैसे बता सकते हैं, क्या प्रमाण है आपके पास में इसका, नहीं मेरे पिताजी ने बताया था मैंने इसमें पढ़ा, ऐसा चल सकता है क्या, नहीं हमें याद है, हमें याद है, मगर किसी ने मांगा तो बोल सकते हैं अरे मेरा रिजल्ट है ना, मेरा कॉपी है मेरे पास में, या मेरे पास में जो है मार्कशीट्स है, मेरा डिग्री है, तो ये सभी क्या है, वो मेमोरीज है जो डॉक्यूमेंट के रूप में हमारे पास अवेलेबल है, तो इतना सिंपल है कि मैं कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, ये आने वाली जनरेशन को पता चलने के लिए इतनी सिंपल सी बात भी मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है। एक छोटा सा, ये नौकरी के लिए जब चले जाते हैं तब हम लोग अपना सीवी बनाते हैं, सीवी क्या है, सीवी भी एक तरह का वो सभी मेमोरीज है ना, 10वीं में कितने मार्क मिले, 12वीं में कितने मिले, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, फिर उसके बाद में हमने कहाँ कहाँ पर नौकरी की एक्सपीरियंस कुछ है क्या, वो सभी हम दे देते हैं, उसके साथ में उसका जो भी ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स जो हमारे पास है उसका फोटोकॉपीज हम देते हैं, सो ये क्या है, ये भी एक आर्काइव का छोटा सा रूप है जो हमारे घर में है, हमारा इंडिविजुअल आर्काइव, ऐसा शब्द प्रयोग हम करेंगे। सेकंड थिंग, मेरे माता पिता के बारे में मेरे पास कुछ जानकारी है क्या, मेरे दादा दादी के बारे में मेरे पास कुछ है क्या, अरे मेरे दादाजी बहुत बड़े लीडर थे ऐसा कहते हैं, क्या सबूत है आपके पास में, कुछ नहीं है, आपके दादाजी कैसे दिखते थे कुछ फोटोग्राफ है क्या, आपके दादाजी के पिताजी जो थे वो कैसे थे कुछ पता है क्या, अरे कुछ फोटो भी नहीं है, क्यों नहीं है, कभी हमने प्रयास किया कि कहाँ से मिलता है, या फिर कभी हमने वो हिस्ट्री ढूंढने का प्रयास किया, अब ये हिस्ट्री को ढूंढना जो है पर्सनल इंटरेस्ट के अलावा और भी बहुत कुछ मायने रखता है, जैसे मैंने अभी एक सिंपल सा कहा, माई विलेज माई हेरिटेज, मेरे गांव का इतिहास, मेरा व्यक्तिगत, मेरे परिवार का, माई फैमिली, माई विलेज सोसाइटी और द नेबरिंग्स जिसको भी हम कहते हैं, इसके साथ साथ आप अपने सर आई कांट हेयर यू।
क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अभी मेरा एक नेटवर्क चला गया। ओके जी सर। ओके सो किसी को इतना ही प्रश्न पूछे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, पहले जैसे व्यक्तिगत रूप से शुरुआत कीजिए। आपके फैमिली का हिस्ट्री आपको कुछ पता है क्या? उसके कुछ प्रमाण आपके पास अवेलेबल है क्या? आपको कौन से सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट है? सो जैसे कहते हैं कि मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो क्रिकेट की क्या जानकारी तुम्हारे पास है? कुछ है उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है तुम्हारे पास में? तो जैसे किताबों के रूप में हो सकता है, फोटोग्राफ्स के रूप में हो सकता है, पेपर कटिंग्स के रूप में हो सकता है। इट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ आर्काइव्स। सो ऐसे धीरे धीरे इंटरेस्ट निर्माण कीजिए। किसी को फिल्में पसंद होती है, किसी को गाने पसंद होते हैं। द कलेक्शन ऑफ दैट सॉन्ग्स, द कलेक्शन ऑफ दैट वीडियोज, ये भी अपने आप में एक आर्काइव्स का रूप है। ऐसे धीरे धीरे करते जाइए। अब इसेंशियल थिंग्स क्या है, ये हमारा लास्ट वाला सेशन जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये आर्काइव्स हमारे रोज के जीवन में जीने के लिए भी क्यों उपयुक्त है, वो हम लास्ट सेशन में देखेंगे। पहले तो अभी जो मैंने बताया, पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछिए, फैमिली हिस्ट्री पूछिए, दादा दादी जिनको आप लाइक करते हो उनके बारे में, या जिस सब्जेक्ट में रुचि रखते हो उसके बारे में। इतना पूछ करके आप उसको रोकिए, फिर लास्ट वाला सेशन जब हमारा हो जाएगा उसके बाद आपको आगे की बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मुझे क्षमा करना, मेरा ये नेटवर्क जो है वो चला गया, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया लैपटॉप से। एनी मोर क्वेश्चन? अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम इसे रोक दें, फिर कल हम मिलेंगे। कृपा करके अपना जो भी प्रश्न होगा आप मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। सो वेरी हम्बली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट टू ऑल। विल मीट टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू। ये भीगा हुआ चमचवा क्यों देती हो? कटोरियों ने पता कैसा दियो? रोज वही समझ में नहीं आता है तुमको? पूरा भीगा हुआ चम्मच है एकदम।